राधे राधे। और बताओ भाई कैसे हो। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई ये चल रहे थे हम, ये क्लिप बची हुई थी, तो आगरा से लखनऊ है जो, उस रोड पे हम चल रहे थे और भाई गाने चल रहे थे। गाना तो नहीं सुना सकती क्योंकि भाई आ जाएगा कॉपीराइट। तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ठंड से बोल रही थी कि थोड़ी सी वीडियो बना ले, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही बना लेती हूँ। और बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी, और भाई ऐसे ही गाने सुनते सुनते रास्ता कट गया। बहुत अच्छा लगा भाई, आगरा घूमे, प्रेम मंदिर घूमे, और अब चल दिए अपने घर की तरफ। और अब पहुँच गए हैं अपने घर, और हालत दिखाती हूँ मैं आपको घर की कैसी हो रखी है। ये देखोगे ऐसे टक्कर जा रही थी जब ये वाल है। ये देखो फ्रिज, और भैया तेल लग गई काम पे। आल देख लिया अपने घर की भी और फ्रिज की भी। और तो वही फिर ये मैं लग गई थी पहले, सबसे पहले सोचा कि फ्रिज साफ़ कर लूँ। और ये देखो ये जो हन होता नहीं यहाँ से, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया था। तो वही है ना भाई, घर ना ना संभालो अब, 10 दिन तो बुरी हालत हो गया है। तो वही फिर मैं लग गई थी अब, तो ये सारा सब कुछ फ्रिज के कांच वाच निकाल दिए थे और साफ करने। और घर बंद में तो इतनी भुंडी गर्मी लग गई, बस को थी जनों तो जी लकड़न हो रहा को सुती गर्मी। और भाई के नाम सब कुछ धो धो के साफ सुथरा कर कर के गई थी। यो मतलब बाल मिल लिया, बस कति जी गणा जी दुखी हो गया आके। ये भी ना कि भाई 2 डल्लू पानी गेर कर नहा लियो, एक बार तो सोची थी नहा लूँ, फिर सोची सुमन पहला थोड़ा सा काम निपटा लियो क्योंकि भाई बहुत भुंडा काम हो रहा था। तो वही फिर मैं ये पीछे से आके, मेरे को पता भी नहीं था, दख सी वीडियो बनाने लग गया था। बोला मम्मी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ का, भाई बना ले बनाओ तो, और ना तो भाई काम करन दे। तो भाई कुछ उतना बुरा हाल हो रहा था मेरा, तो ना जब तो घर तक इतना जानना जी ना कराया करे मेरे, ना तो बना वो मुश्किल सा काम हो जाया करे। तो भाई ये लाग रही हूँ मैं अपना काम करन। तो भाई पहले फिर मैंने ना, मैं पहले रसोई साफ करा करूँ, तो फिर मैंने सारे रैक वैक के बर्तन ने धो धो कर सूखा सूखा कर रख दिए थे। ये कुछ और बाकी बचे हुए थे, ये फिर दख से अपने के नाम से बुक के देखने लग गया था अपना पढ़ाई वढ़ाई की सारा। तो ये बाद में क्लिप निकाल ली थी जो रैक में थे सारे बर्तन, मैंने धो धो कर मतलब और पोछ पोछ कर सारे रैक के जचा दिए थे। क्यों भाई किचन इतनी ज़्यादा तो बड़ी है नहीं कि भाई सारे एक बार में ही फैला दूँ, तो साथ साथ साफ कर कर के पोछ पोछ कर ये रख दिए थे, रैक वैक साफ कर दिया था। और ये जो ऊपर के कुछ बच रहे थे ये मैं लग रही थी काम करन। और भाई कती रात के 12:30-1 बज गया था, और सुबह सुबह मैं फिर 3:30 बजे उठ गई थी। मतलब 3-4 दिन तो अब बुरी हालत हो गई थी। तो फिर यही मैं लग रही हूँ अपना भाई काम ख़त्म करने। और भाई ना तो बच्चे इतने बड़े कि भाई थोड़ी सी हेल्प करवा दे, और इसके पापा तो बिल्कुल ही करवाए ना करे, ये भी ना करवाओ कुछ, मैं भी ना करवा करूँ भाई, मैंने भी अच्छा ना लग गए ये कुछ काम करें। तो मैं अपना काम खुद सारा करती हूँ, तो भाई मैं अपना काम खुद सारा अपने हाथ से करना ही पसंद करती हूँ। कई बार ये बोल भी दें कि भाई ले थोड़ा बहुत करवा दो, लेकिन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई होते हैं भाई साथ में मिलकर काम करवा दिया करें, लेकिन भाई जेंट्स ने तो बाहर का ही काम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो लेकिन भाई बाहर का कुछ भी हो तो मैं नहीं किया करूँ, ये खुद अपना आप कराया करूँ, घर का सारा मैं अपना खुद संभाला करूँ। और क्या नाम, तो यही आप देख रहे होगे मैं लग रही हूँ बुरी हालत हो रही है काम में, और ज़बरदस्त काम चल रहा है। 4-5 दिन लग गए काम करते करते ख़त्म। और भाई जो ना करते व्यक्ति ऐसे मतलब ये सोचे कि बस थोड़ा थोड़ा कर दिया और टाइम पास करना है, और आधी तो दुनिया फालतू इसी के भाई झाड़ू पोछा लगा ले हैं। और भाई देखो जिसकी तबीयत तो ख़राब हो वो तो लगा ले, कोई दिक्कत ना, पर आधी तो फालतू तो ऐसी है कि भाई झाड़ू पोछा लगा ले, बस अपने शरीर ने रेस्ट होना चाहिए। तो भाई मेरे में ये है कि भाई अपना काम खुद करो तो सबसे अच्छी बात है, शरीर ने जितना कष्ट दोगे उतना ही अच्छा होगा। तो भाई मैं यहाँ पर लग रही हूँ काम करने के लिए। तो ये भाई मैं जो ऊपर स्लेप है यहाँ चढ़ी हुई हूँ चेयर के ऊपर स्टूल रख कर, और फिर तभी हाथ पहुँचता है। तो मैं यही कर रही थी अपना सफाई, और क्या नाम है दक्ष बना रहा था वीडियो। तो भाई ये लग रही थी मैं।
तो ये रैक वैक तो मैंने पहले ही कर दिया था, बर्तन वर्तन सारे कर दिए थे, तो फिर सोच रही थी कि भाई चलो स्लेप है ये और कर देती हूँ। तो मैं लग रही थी काम में, और खाना वाना तो मेरी एक पड़ोस में है, मेरी फ्रेंड है, उनने भाई भेज दिया था, वो बोल रही थी कि सुमन ना कहे और फिर आ जाना आराम से खा लेना। तो मैं बोली थी नहीं बहन घर पे ही भेज जो आ दो खाना, तो क्या नाम है फिर मैं ना काम कर लूँगी, फिर ना कर जाओ। तो इसीलिए फिर मैं अपना काम में लगी पड़ी थी, और उसने घर पे खाना चाय वाय सब भिजवा दिया था, तो बहुत अच्छा लगा भाई। आपस में ऐसे हेल्प हो जाए ना तो फिर भी आधी टेंशन ख़त्म हो जाए खाने वाने की। तो फिर खाना खुना तक खा कर ये तो पापा बेटा भाई सो गए थे 10:30-11 बजे, और मैं सोई थी भाई लेट माले 12:30-1 बजे, अपना काम ख़त्म करके मतलब जितना किचन विचन का सारा। तो और भाई ये कर्टन भी धो दिए थे मैंने, और ये यहाँ पे सिंगार कर रहा है, नहला रहा है देव कानू को केसू को। तो भाई मैं बोली थी बेटा आप नहा लिए, तो ये पहले बोला मम्मी मैं नहा लिया, केसू को मैं ही नहलाऊँगा। तो भाई ये देव लग रहा है यहाँ पे इनका श्रृंगार करने के लिए, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा केसू, ये देखो भाई ये कानों में बाली डाल ली, हाथों में डाल ले, और न्यू ड्रेस डाल ली, और भाई मैंने कवर वर संदूक के थे जो धो दिए थे। तो ये बोल रहा था कि मम्मी मैं इतना कर देता हूँ आप कुछ और काम कर रहे हो। तो फिर ये बाल बाल इसके डाल ले, और देखो या इसके पैरों में डाल रहा था मैं डाल रहा है, और इतने आराम आराम से डाल रहा है ना, बोल रहा है मम्मी मकान कहीं केसू का दर्द तो नहीं हो जाएगा, मकान ना बेटा कुछ दर्द ना हो है। तो ये रेडी देखो अभी इसके बाल डाल लेंगे, और ये ड्रेस थी वही जो पहले डाल रखी थी मतलब श्याम ने डाल दी थी, अब चेंज कर दी, और जो भाई ये फैंसी ड्रेस है ये तो वही है ना, इनका तो ड्रैकलिंग ही करवानी पड़ेगी दोनों तात को ने, और जो सिंपल ड्रेस भाई वो तो इजी में का धो दूंगी। और ये इनके अभी देख रहा है कि मम्मी बाल कैसे लगाऊं, तो ये अभी इसका बाल लगावेंगे केसू का, और भाई वो पहनाएंगे मुकुट। ये देखो ये कानों में शायद बाल डालने के लिए कोशिश कर रहा है यहाँ पे, हाँ कानों में बाल डाल रहा है, और भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखता देव बहुत ही ज़्यादा। और ये मैं दिखाती हूँ आपको काम, अभी वही है ना पूरा घर फैला पड़ा है, कई दिन में जाकर सही आओगा। यहाँ पे दक्ष है जो नहाने की तैयारी कर रहा है, ये अभी नहीं नहाया था, और ये मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ जो आपको दिखा रही हूँ कपड़े। तो भाई ये देखो कपड़े की पूरा ये बैग वैग धो दिए हैं, फूल फाल कर्टन धो दिए हैं, ये बंदरवाल फुलझड़ी जो कुछ भी है, ये सोफिया के मतलब चेयर के कवर हैं, ये संदूक के हैं, ये चद्दर हैं, तो इतने सारे कपड़े धोए थे बस पूछो मन्ना भाई, सब कुशन वुशन के सब कवर धो दिए, कर्टन था वो भी धो दिए थे। और ये कुशन कवर हैं भाई सारे, सब कुछ धो दिया, पायदान पुदान, ये मशीन यहाँ पे, और जूतों की लाइन देखो यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब सारे कपड़े वपड़े धो दिए हैं, क्योंकि भाई इतना बुरा हाल हो रहा था, इतना बुरा हाल हो रहा था, बस पूछो ही मत, बहुत गंदा घर हो रहा था सच में ही। ये पर्दा भी धो दिया बंदिया बंदिया, फिर कल साफ करूँगी इसने मैं, अब और डस्टिंग रह रही वो करूँगी। यह है, और ये देखो कितनी अच्छी ड्रेस डाल दी है, और क्या देखो ये भी इसको कुछ खिला देगा, और देखो चंदन से नहलाया देव ने, ऐसा नहीं है, ओ कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो भाई कर लो मेरे कानू के दर्शन, तब मैं इनका करूंगा श्रृंगार, अब ये श्रृंगार करेगा इसका बेटा, गर्मी में बाल ना वो करया करे, क्या ये बाल तो लगाने पड़े, गर्मी है गर्मी है, अभी लगाऊंगा तो बाल भी लगाने पड़ेंगे ना, अभी नहीं मैं पापा दूध से नहला के फिर कर देंगे, अभी मत कर, अभी ये एक काम कर, अभी ये यही पहना दे, ये नहीं इनको खोल के ना कर, खोल कर बस सही है वही, हां
क्योंकि भाई मेरे को अभी है ना 2-3 दिन बहुत ज़्यादा काम है, मैं लेट ना आऊँगी क्योंकि घर पूरा फैलिया पड़ा है, तो इसीलिए देव कर रहा है इसका खिलाना पिलाना भी सारा। ये देखो मेरे बेटा, वेरी गुड। बाल काले गर्मी बाल मत रे वो करें। ऐसे ही डालना, ये कान की है, कान की पहला फिर कान ही डाल। ड्रेस देखो भाई कितनी प्यारी लगी लगी ना। ये तेरे को बंद करनी नहीं आएगी, मैं बाद में डाल दूंगी। नहीं मुझे तो तू डाल ले इतना।